सत श्री अकाल सारे एन एल न्यूज़ सारे का स्वागत है। तो मैं हाँ थोड़ी अपनी तनदीप कौर। अज कैंप कोल गुजराल में एक सिखा द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया। अगे भी बहुत बड़े दिनों तो यह प्रोटेस्ट चलता जा रहा है पंजाबी लैंग्वेज के करके। सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया जो पंजाबी लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं चुनेगा। अज भी इतने प्रदर्शन चले गलबात करते हो जी सर, किस तरह का देखते हो जिस तरह का सरकार ने फैसला लिया गया कि पंजाबी लैंग्वेज में जो ऑफिशियल नहीं किया गया। हिंदुस्तान के जब भी कोई सरकार आती है तो समय समय के सिखा का हक जो खोया जाता है, कई तरह के मसले होंगे। सिखा हर गल नज़रअंदाज किया जाता है, जो कि हिंदुस्तान के वादों वाद कुरबानियाँ सिखा दियां हैं। कुछ दिन पहला ही जो पांच भाषावां बहुत वड्डी मानता दी गई है, बिल पास किया गया है, पंजाबी भाषा को फिर भी दोबारा एक बार नज़रअंदाज किया गया। सिखा के मन में बहुत रोस है जी। तो आस करते हाँ अज का इकट्ठ जो प्रजोर सरकार को मंग करता है कि जल्दी तो जल्दी सिखा दी मंग पूरी की जाए। अगर फिर भी सरकार इस गल नज़रअंदाज किया सरकार ने तो एक बड़े पदर दे रोस मार्च कढ़िया जाएगा। सरकार फिर खुद जिम्मेवार होगी। आस है सरकार नू के बेनती जल्दी तो जल्दी प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सर मेरा एक सवाल और, तुसी क्या कि सिखां वास्ते जिहड़े पंजाबी लैंग्वेज की लैंग्वेज जिहड़ी सिर्फ सिखां वास्ते ही है? नहीं, हर धर्म के जो इस इंडिया दे विच जिथे भी आप जी जाते हो जा कोई भी सुनाई देता तो पंजाबी भाषा सब तो वध चढ़ के बोली जाती है जी। तो इस फिर पंजाबी भाषा के नाल इन्ना वितकरा क्यों किया जाता है? सरकार को यह मंग है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਡਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਵੇਖੇ ਜੰਮੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੰਮੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, अगर तुहानू इहदे च कोई लगता है कि भई ये सिखां दी भाषा है तो एक इमानदारी का सर्वे करवाओ, उस तो बाद इस लागू करो। फॉर द टाइमिंग इसनू पेंडिंग करो, जो भी तुहाडा हैगा तुसीं पास कीता वो तो प्रॉपर सर्वे तो बाद इहदे जिहड़े रिजल्ट आते हैं उस ते अकॉर्डिंगली देखो कौन कित्थे किन्नी कि भाषा बोली जा रही है उहदे दा हिसाब नाल नू दित्ते जाए। क्या कि इमानदारी नाल सर्वे करो, किधर किधर तुहानू लगता कि सरकार ने कितने कोई चूक की, इमानदारी नहीं की सिखां नाल? मैं ऐसा है कि जिहड़ा डाटा ना जो अज दी डेट च जो असीं गूगल ही कोई भी चीज़ होंदी असीं तो गूगल तो सर्च करो, गूगल ते सर्च करोगे तुसीं ते तुहानू दिखा रहे हैं कि 3.5 करोड़ दे लगभग हिंदुस्तानी दे विच इह भाषा बोली जा रही है, जदों कि दुनिया च 11 करोड़ दे लगभग पूरी विश्व दे विच 11 करोड़ दे, पर जम्मू कश्मीर नू लै के किधरे भी सैपरेट साडे कोल नहीं आ रहा। इस करके असीं कह रहे हैं कि इहदे च इमानदारी नहीं वरती गई। अगर इमानदारी होंदी ते पंजाबी बोलण वालियां दी भी भाषा साडे सामने आंदी, उहनां दी नंबर ऑफ पीपल जिहड़े बोलदे ने उहनां दी गिनती साडे सामने आनी चाहिए थी। जदों कि मैं सर्च करके आया बिल्कुल अथेंटिक प्रूफ के नाल कह रहा कि जिनी एक मेरी नॉलेज सी मैं सर्च की है कुछ नहीं मिलिया। इस करके सानू यह शक है कि वाकई सानू इस चीज़ नू वांझे करन तो लई इहो जी चालां चलियां जा रही ने जिहड़ियां नहीं होनी चाहिए। मतलब साजिश की जा रही है? बिल्कुल साजिश के तहत है, वरना तुसी आप जब तुसी पूरा अपने लैवल ते ही अगर तुसी मीडिया दे कोल सर्वे करवाओगे ना तुसी वेखोगे कि जम्मू दे हर खिते दे जम्मू दे हर डिस्ट्रिक्ट दे विच तुहानू पंजाबी स्पीकिंग पीपल मिलणगे। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਪਰ
1747 तो लैके 1947 तक गोरियां ने राज किया, लेकिन पंजाब भी एक ऐसी स्टेट सी उस टाइम जी 1847 तो 1947 तक जिस पर गोरियां ने राज किया, क्योंकि उस वेले उसके उपर महाराजा रणजीत सिंह का राज सी। ते महाराजा रणजीत सिंह की शहीदी के बाद 1847 के बाद गोरियां दे नाल सिखां दी दो जंगा लड़िया गई, जिदे विच सिख 1847 हार गए ते हिंदुस्तान नूं आजाद कराउण दे विच 98% तों वध कुरबानियां जिहड़ियां ने सिखां दीआं ने। सरकार इह ना भुल्ले, सारागढ़ी की लड़ाई दे विच मुठ्ठी भर सिंघां ने 10,000 तों वध मुगलां नूं धूड़ चटाती, ते भगत सिंह वर्गे सूरमे जेकर अज हथियार ना चकदे ना ते असीं इह गोरियां दे थले गुलाम बन के रहना सी। इन्हें बेनतियां प्रवान करना जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सन कैम कोल गुजराली सिखों द्वारा एक प्रदर्शन किया गया जिथे पंजाबी लैंग्वेज को लैके सरकार को अपील की गई कि पंजाबी लैंग्वेज के द्वारा जो साजिश की जा रही है सिखों के खिलाफ इसनों जो है फिर तू एक बार ईमानदारी के नाल मतलब जान की जाए जाँच की जाए ताकि पता चले कि पंजाबी लैंग्वेज जो है वह भी जम्मू कश्मीर से यूटी वास्ते या इतने वास्ते बहुत जरूरी ऑफिशियल उसू भी बनाया जाए। इस तरह की और भी अपडेट अस देख रहे एन एल न्यूज़ जम्मू। लागू करो पंजाबी भाषा, लागू करो पंजाबी भाषा, लागू करो पंजाबी भाषा, लागू करो। सारे बांह चुको, सारे बांह चुको, दो बांह चुक लो। लागू करो पंजाबी भाषा, लागू करो पंजाबी भाषा, लागू करो पंजाबी भाषा, लागू।